और उठने के बाद सबसे पहला काम मैं बेडशीट वगैरह सही करती हूँ इससे दिन का जो स्टार्ट है ना वो बड़ा फ्रेश हो जाता है और सारा दिन रूम भी बहुत नीट लगता है और अशस को भी मैंने ऐसी आदत डाली हुई है कि जब मैंने बेड सही कर देना है तो उसके बाद ये बेड पे नहीं आता दिस। 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 उसके बाद मैं अशस और अपने लिए नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ अच्छा सर मुझे अपना ब्रेकफास्ट ऑप्शन ख़ुद ही बता देता है एग ब्रेड अंडा पराठा समटाइम्स फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ समटाइम्स मैं हैश प्राउंस बना देती हूँ और कभी कभी अशस्स पैनकेक्स बनवा लेता है और अगर कभी मेरा दिल ना कर रहा हो कुछ बनाने का तो फिर कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क भी दे देती हूँ मैं रख रखे। आ, जल्दी करें अब। क्या नौ फिर। नौ फिर। चलें बैठे हैं शश, बैठे नाश्ता करवाओ नाश्ते से फ्री होने के बाद एक टास्क खत्म हो जाता है उसके बाद मैं करती हूँ अपने अपार्टमेंट की सफाई वैसे कितनी अजीब सी बात है ना हम सारा दिन घर साफ करने में लगाते हैं कि अगले दिन फिर से सफाई करनी है अब बश थोड़ा यूज टू हो गया है हमारी रूटीन से और इंडिपेंडेंटली भी प्ले करता है और समटाइम्स जो है अगर बहुत ज़्यादा तंग हो रही हूँ मैं तो फिर मैं टैब भी दे देती दे हूँ स्क्रीन टाइम देना पड़ता है मुझे इंडोनेशिया में दो साल हो गए हैं और मेरी दो साल से यही रूटीन रही है मैं हफ़्ते में दो से तीन दफ़ा जो है वो कपड़े वॉश करती थी और साथ में आयरन कर लेती थी नेक्स्ट डे मैं हाथ से ही कपड़े धोती थी क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन नहीं ली थी क्योंकि अपार्टमेंट बहुत छोटा था यहाँ पे रखने का काफ़ी प्रॉब्लम था जिस दिन मैंने व्लॉग बनाया था कपड़े मैंने उससे पिछले दिन वॉश किए थे और नेक्स्ट डे जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी फिर मैं बाहर से कपड़े उतार रही थी सेम डे भी आयरन कर लेती हूँ समटाइम्स एक दो दिन पड़े भी रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नीचे लॉन्ड्री में सिर्फ आयरन के लिए कपड़े दे देती हूँ नॉर्मल रूटीन घर के काम तो चलते ही रहते हैं सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते हैं कपड़े उतार के मैंने प्रेस वाले अलग कर लिए थे और बाकी जो तय होकर कबर्ड्स में जाने थे वो मैंने अलग कर लिए थे यहाँ पर मैं कपड़े समेट रही थी और तय लगा रही थी और फिर मैंने अपनी अपनी जगह पर कपड़े सारे रख दिए थे हेयर इज़ द रिमाइंडर स्टे हाइड्रेटेड जिस दिन मैं कपड़े वॉश करती हूँ मैं अशस को भी उसी दिन नहलाती हूँ और अशस को मैं अल्टरनेट डेज पे नहलाती हूँ क्योंकि इससे मैं बहुत इजी रहती हूँ और इस तरह से मुझे लगता है कि बच्चा भी ठीक रहता है बीमार नहीं होता जल्दी यहाँ पे वैसे तो सारा साल गर्मी पड़ती है लेकिन फ़ैन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है और एसी चलती हैं सारा दिन तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ डेली नहलाने से अशस को फ़्रेश करवाने के बाद मैं यहाँ पे अशस को चेंज कर रही थी और इस टाइम पे बच्चों को वो चीज़ें याद आती हैं और वो तमाशे याद आते हैं जो सारे दिन में नहीं आते वैसे तो इन सारे कामों से फ़्री होकर मैं खाना बनाती हूँ लेकिन आज मैंने बर्गर्स बनाने थे इस वजह से कुकिंग को लेकर मैं थोड़ी सी रिलैक्स थी और फिर ख़ुद फ्रेश होने के बाद मैंने सबसे पहले ज़हर की नमाज़ पढ़ी और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा तस्पी फ़ातमा का मैं हर नमाज के बाद वो लाजमी पढ़ती हूँ उससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो तस्वीर मुझे थकने नहीं देती क्योंकि सारे काम मैंने ख़ुद करने होते हैं बहुत ज़्यादा बर्डन फील करती हूँ मैं समटाइम्स लेकिन इस दुआ से इस तस्बी से मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर एनर्जी आती है नमाज से फ्री होने के बाद तकरीबन दो बज चुके थे इस वजह से मैं यहाँ पे अशस के लिए रोटी बना रही थी कल मैंने चिकन का सालन बनाया था उसमें से बहुत थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने सोचा चलो अशस को यही खिला देती हूँ लंच में देसी घी लगाया था मैंने फुल हो गया चलो ठीक है थैंक यू अल्लाह करें अशद को खाना खिलाने के बाद मैंने जो है वो असर की नमाज पढ़ी और बाकी सारे काम भी मेरे जो है वो ख़त्म हो चुके थे और डिनर की भी एज इन कोई ख़ास प्रपरीशन नहीं थी तो फिर इस टाइम पे मैं दो घंटे पूरे अशस को देती हूँ और इस टाइम पे अशद को मैं काफ़ी सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाती हूँ समाइम्स उसमें ये वर्कशीट्स होती हैं जिसमें अशद ट्रेसिंग वगैरह करता है इसके अलावा मैं प्लेडो दे देती हूँ तो वन आवर से टू आवर्स उसके साथ भी गुजर जाते हैं मैग्नेटिक टाइल्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन होते हैं समटाइम्स मैं वो दे देती हूँ मैं अशस को वीक में रोटेट करके चीज़ें देती हूँ हफ्ते में एक से दो दफ़ा मैं अशस को अल्फाबेटिक जो ब्लॉक्स होते हैं वो दे देती हूँ उससे भी अशस काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है खाना खिलाते हुए मुझे अशस को समटाइम्स स्क्रीन टाइम देना पड़ता है इस वजह से मैं बाकी दिन में अवॉइड करती हूँ और काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं अशर से करती रहती हूँ रिपीट करती रहती हूँ सारे दिन में और ग्रेजुअली जो है वो अशस को चीज़ें याद हो जाती हैं अशस के साथ इसी तरह से दो से तीन घंटे स्पेंड हो जाते हैं और अब मगरब होने वाली थी तो मैं अशस को कोई स्नैक देना चाह रही थी और यहाँ पे मैं अशस के लिए बनाना शेक बना रही थी अशस बिल्कुल भी फ्रूट लवर नहीं है इस वजह से मैं दिन में एक दफ़ा अशस को लाजमी फ़्रूट्स का शेक बना के देती हूँ ताकि इस तरह से फ्रूट्स की इनटेक भी हो जाए अशस की और शेक्स तो हमेशा ही बहुत हेल्दी ऑप्शन होते हैं बच्चों में वेट गेन कराने के लिए आप शेक में इंस्टेंट ओट्स यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा नट्स पाउडर भी ऐड किया जा सकता है सात बज गए थे और अजीम भी घर आ गए थे डिनर में मैं बर्गर्स बना रही थी तो उसके साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई किए थे मैंने रेडीमेड फ्राइज़ यूज़ किए थे और उसके साथ रेडीमेड ही चिकन पैटीज़ यूज़ की थी फॉर बर्गर्स

यहाँ पे मैं बर्गर्स को असेंबल कर रही थी सबसे पहले मैंने बर्गर्स को टोस्ट करके सॉस लगा दी थी उसके बाद मैंने आइसबर्ग रखा चिकन पैटी रखा और उसके ऊपर चीज़ स्लाइस और इसी तरह से बहुत सारी मेहनत करने के बाद मैंने बर्गर्स बनाए इस तरह का कुछ बनाना होना तो मैं बड़ा इजी फील करती हूँ सारा दिन कोई काम नहीं करना पड़ता और देसी खाना बनाना हो तो फिर उसको दिन में ही रेडी करना पड़ता है ये मैं अजीम को सर्व कर रही थी इसके अलावा अशस ने भी हमारे साथ बर्गर ही खाया था वीडियो भी देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ये ज़्यादी है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक like, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा इतने रैंडम ब्लॉग्स देखेंगे लेकिन काम के कंटेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे ईशा की नमाज से फ्री होके मैं अपनी तस्वीर आत्मा पढ़ रही थी जिससे मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा अल्लाह हाफिज